आईपीएल 2021 का कल 13वां मुकाबला खेला गया, जिस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया। ये जीत बहुत ही मनोबल बढ़ाएगी दिल्ली कैपिटल्स का, क्योंकि पिछली बार अगर आपको याद हो आईपीएल 2020 में ये दोनों टीम 4 बार आमने सामने थी, लेकिन 4ों बार मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया था। यहाँ तक कि फाइनल जो एक सपना था दिल्ली कैपिटल्स का कि ये पहली बार वो ट्रॉफी जीतेंगे, फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया था। बात करें अगर पिछले 5 मुकाबलों की जो इन दोनों टीम्स के बीच हुए, तो वो भी मुंबई इंडियंस ने जीते थे इस मैच से पहले। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ब्रेक लगा हुआ था, और कल दिल्ली कैपिटल्स ने बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही डिपार्टमेंट में बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाया और मुंबई इंडियंस को मैच में हरा दिया। इस मैच की पूरी रिपोर्ट हम बताते हैं आपको शुरू से क्या हुआ। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान थे ऋषभ पंत और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा जब टॉस पर आए तो शायद पलड़ा मुंबई इंडियंस का ही भारी लग रहा होगा, और कहीं ना कहीं ऋषभ पंत सोच रहे होंगे क्या सीखा जाए रोहित शर्मा से, जिन्होंने 5 बार इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है, अपने टीम के लिए लेके गए हैं। कल मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और उम्मीद के विपरीत उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला करा, तो और ये लग भी रहा था शुरुआत में सही है, क्योंकि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, हालांकि क्विंटन डिकॉक तो जल्दी आउट हो गए थे 2 रन बनाकर, लेकिन रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक के आउट होने के बाद आए सूर्य कुमार यादव के बीच में 58 रनों की साझेदारी हुई और काफ़ी स्मूथ लग रहा था मामला, काफ़ी तेज़ी से रन बना रहे थे। लेकिन उसके बाद अमित मिश्रा का जादू चला। जी हाँ, अमित मिश्रा जो लेग स्पिनर हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं, पिछले दोनों मैचेस में उन्हें ड्रॉप करा गया था, उन्हें इस मैच में लिया गया और कमाल की बॉलिंग करी, और ना केवल कमाल की बॉलिंग करी बल्कि अंत में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी जीता। वापस आते हैं हम दिल्ली मुंबई इंडियंस की इनिंग्स पर। रोहित शर्मा ने शानदार 44 रन बनाए और सर्वाधिक स्कोर भी था 30 गेंदों पर, 3 चौके और 3 छक्के लगाए। क्विंटन डिकॉक 2 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने अच्छी बल्लेबाजी दिखाई, 15 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 24 रन बनाए। इसके बाद आए ईशान किशन और वो काफ़ी देर तक विकेट पर रहे, लेकिन शायद कल अपने लय में नहीं थे, या ये कहिए कि पिच स्पिनर्स को मदद दे रही थी, और जिस तरह से ललित यादव और अमित मिश्रा बॉलिंग कर रहे थे उस हिसाब से विकेट पर टिके रहने ही शायद सबसे बड़ा जीत थी आपकी, और ईशान किशन ने वही करा। 28 गेंदें खेली, 26 रन बनाए, 1 चौका और 1 छक्के की मदद से, लेकिन उसके बाद पूरा बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हो गया। हार्दिक पांड्या बिना खाता खोले अमित मिश्रा का शिकार बने, पहली गेंद पर कुणाल पांड्या ने 1 रन बनाया 5 गेंदों पर। ईरॉन पोलार्ड 2 रन 5 गेंदों पर, इनकी फॉर्म खराब चल रही है और इन्हें कुछ ना कुछ अपनी बैटिंग पर और ध्यान देना होगा। जयंत यादव ने अंतिम क्षणों में 22 गेंदों में 23 रन बनाकर स्कोर को 137 तक पहुंचाने में काफ़ी मदद करी। राहुल चहर ने 6 रन बनाए 6 गेंदों पर। बुमराह नॉट आउट रहे 3 गेंदों पर, और ट्रेंट बोल्ट ने 1 बॉल पर 1 रन के साथ नॉट आउट रहे। 20 ओवरों में मुंबई इंडियंस ने 137 रन बनाए 9 विकेट खोकर। और बात करें अगर बॉलिंग की, तो सबसे पहले ऋषभ पंत ने बहुत चौंकाया, क्योंकि उम्मीद के विपरीत रबाडा को पहला ओवर नहीं दिया गया, बल्कि पहली बार मार्कस स्टॉइनिस, जी हाँ ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर को पहला ओवर डालने के लिए कहा गया, और उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी, 3 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट लिए। अश्विन शुरुआत के 2 ओवर में काफ़ी इफेक्टिव साबित हुए थे, लेकिन रोहित शर्मा के 1 ओवर में उन्हें 15 रन देने पड़े, जिनसे उनका एवरेज बिगड़ गया, बावजूद इसके उन्होंने 4 ओवर में केवल 31 रन दिए। रबाडा ने 3 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट लिया। अमित मिश्रा 4 ओवर 24 रन 4 विकेट, और इस प्लेयर ने मुंबई इंडियंस को कभी मैच में वापस ही नहीं आने दिया अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो। आवेश खान ने इम्प्रेस करना जारी रखा है, 2 ओवर में 15 रन और 2 विकेट, दोनों ओवर में उन्हें 1-1 विकेट मिला। ललित यादव ने बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग करी और इसके बाद बल्लेबाजी बहुत शानदार करी, लेकिन बॉलिंग में 4 ओवर केवल 17 रन देकर 1 विकेट लिया। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। पृथ्वी शाह 11 रन के स्कोर, जब टीम का स्कोर 11 रन था तो 7 रन बनाकर आउट हुए। जयंत यादव का शिकार बने, शिखर यादव ने अपनी अच्छी फॉर्म कंटिन्यू रखी, यहां पर जिम्मेदारी भरी पारी खेली, 42 गेंदों में 45 रन की पारी, 5 चौके और 1 छक्के, हालांकि उन्हें फिनिश करना चाहिए था गेम, लेकिन वो अपना विकेट गवा बैठे। राहुल चहर को स्टीवन स्मिथ के साथ उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट एक साझेदारी करी थी 53 रन की, और स्टीवन स्मिथ ने 33 रन बनाए 29 गेंदों में 4 चौकों के साथ, और बहुत ही सहज बूझ भरी पारी थी, कहीं पे इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स नहीं खेले गए और कोशिश करी गई कि स्कोर को आगे बढ़ाया जाए, जीत के करीब ले जाया जाए। ललित यादव ने अंतिम क्षणों में जब थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप हो रहा था तो उन्होंने अपने आप कंट्रोल करा और 25 गेंदों में 22 रन की नॉट आउट इनिंग के लिए, इसमें 1 चौका शामिल था। ऋषभ पंत को बुमराह का शिकार बन गए, 7 रन 8 गेंद पे 1 चौके की मदद से उन्होंने बनाए। शिमरॉन हेटमेयर 9 गेंदों पे 14 रन मारकर नॉट आउट लौटे, इसमें 2 चौके शामिल थे। तो 4 विकेट खोकर 19.1 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया। बात करें अगर मुंबई इंडियंस की बॉलिंग की, तो ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर में 23 रन देकर दिए, कोई विकेट उन्हें नहीं मिला। जयंत यादव ने 4 ओवर में 25 रन दिए, अच्छी बॉलिंग करी, 1 विकेट मिला उन्हें। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 32 रन 1 विकेट,
कुणाल पांड्या ने 2 ओवर में 17 रन दिए, विकेट नहीं ले पाए। राहुल चहर ने 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट लिया और कीरोन पोलार्ड ने 1.1 ओवर में 9 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। जैसा कि मैंने बताया, ये जीत बहुत मायने रखती है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनका एक अजीब सा सिस्टम चल रहा था। पिछली बार सिर्फ IPL 2020 में 4 मैच इन दोनों टीम्स के बीच में हुए थे और 4 बार दिल्ली कैपिटल्स को हार का सामना करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं ये मनोबल बढ़ाने वाली जीत है और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले टाइम में दिल्ली कैपिटल्स और का जो फेस था खराब मुंबई इंडियंस के खिलाफ, ये बेहतर ही होगा। दिल्ली कैपिटल्स ने इस जीत के साथ लंबी छलांग लगाई है IPL पॉइंट्स टेबल में और 4 मुकाबले उन्होंने अभी तक खेले हैं जिसमें 3 जीते हैं, 1 हारा है, लेकिन अच्छी बात यह है वो 2 नंबर पर आ गए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का अभी भी कब्जा है टॉप पर, क्योंकि 3 मैच खेले हैं, 3 जीत के साथ 6 पॉइंट्स उनके हैं, लेकिन उनका इकोनॉमी नेट रन रेट उनसे बेहतर है दिल्ली कैपिटल्स से। दिल्ली कैपिटल्स का नेट रन रेट 0.426 चल रहा है। बात करें अगर नेट रन रेट की, सबसे ज़बरदस्त नेट रन रेट है चेन्नई सुपर किंग्स का 1.194। तो दिल्ली कैपिटल्स ने कल की जीत के साथ IPL पॉइंट्स टेबल में छलांग लगाई है, वो 3 नंबर पर आ गए हैं, जबकि मुंबई इंडियंस को झटका लगा है और वो 4 नंबर पर आ गए हैं 4 मुकाबलों में 2 जीत और 2 हार के साथ। हालांकि उनका नेट रन रेट भी अभी प्लस में चल रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद को छोड़ दें तो बाकी सब टीम्स ने अपना खाता खोल लिया IPL पॉइंट्स टेबल में, सनराइजर्स हैदराबाद अभी भी खाता नहीं खोल पाई है। तो ये है आज का मैच की रिपोर्ट, और चलते चलते आपको एक ब्रीफ बता देते हैं कि कल दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच जो मैच था, मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करा। उनका बल्लेबाजी करने का फैसला शायद ज़्यादा रास नहीं आया, स्टार्टिंग अच्छी थी लेकिन उसके बाद विकेटों का पतन एक साथ होता रहा। स्पिनर्स अमित मिश्रा और ललित यादव ने अच्छी बॉलिंग करी, 137 पर रोक दिया, 137 पर रोक दिया 9 विकेट के नुकसान पर मुंबई इंडियंस को। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने ये टारगेट 19.1 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। शिखर धवन ने शानदार 45 रन की पारी के लिए, स्टीवन स्मिथ ने 33 रन बनाए। बात करें मैन ऑफ द मैच की, तो उन्हें अमित मिश्रा को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला, क्योंकि उन्होंने कल शानदार बॉलिंग करी। अमित मिश्रा जो कि लेग स्पिनर ने 4 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट लिए। पिछले दोनों मैचेज में उन्हें ड्रॉप कर दिया था दिल्ली ने, इस मैच में वापसी करी और ज़बरदस्त वापसी करी, 4 ओवर 24 रन 4 विकेट के साथ। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स IPL पॉइंट टेबल में पहुंच गई है 2 पर, जबकि मुंबई इंडियंस आ गई है पॉइंट टेबल में 4 पर। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए आप GoNewsIndia.com पर। फिलहाल मैं लूँगा इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया।